प्रयागराज से प्रियंका गांधी का यूपी दौरा शुरू हो गया है। प्रयागराज में गंगा की शरण में प्रियंका गांधी पहुंची है और इसी के बाद से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना हुई है प्रियंका, नाव के जरिए वाराणसी के लिए रवाना हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रियंका गांधी 4 दिन के यूपी दौरे पर है और जिसकी शुरुआत उन्होंने गंगा घाट से की और साथ ही वाराणसी के लिए रवाना हो गई है प्रियंका। नाव की सवारी करते हुए नजर आई प्रियंका गांधी। 4 दिन का यूपी दौरा प्रियंका गांधी का, प्रयागराज में गंगा की शरण में पहुंची है प्रियंका गांधी। प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी यूपी में 4 दिन का दौरा करेंगी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आएंगी, लोगों को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। चुनाव करीब है, वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है प्रियंका के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, प्रियंका गांधी के अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो प्रियंका गांधी जो है जिस तरीके से इलाहाबाद से शुरुआत होगी और उसके बाद बनारस तक जाएंगी और तमाम जो है कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और यहाँ से पूरा जो एक तरीके से अगर कहा जाए कि जो इनकी जो पहले से बनाए हुए कार्यक्रम है उसको चेंजेस करके कुछ नेताओं से भी मुलाकात करने की बात है और उसके बाद आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनके टिकटों को लेकर के जो है एक मंथन चलेगा यहाँ के लोगों से और यहाँ के पुराने नेताओं से, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। जी आकाश, अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए, 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की काफी ज्यादा उम्मीदें प्रियंका पर टिकी हुई है, तो यही वो वक्त है जहां पर यूपी में जनता को लुभाने के लिए प्रियंका हर कोशिश करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, एकदम आप सही कह रही है। कारण ये है सबसे बड़ा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जो है लगातार उत्तर प्रदेश में दम दिखा रही है और उसके बाद जो टिकटों जो जारी हो रहे हैं उससे साफ कहा जा सकता है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की भी जो है भागीदारी है इन टिकटों के वितरण में। और जो जानकारियां जो मिल रही हैं अंदर सूत्र से जो कांग्रेस के, उसमें ये भी है कि जो कई तरीके के लोग जो साफ तौर पे जो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं और जो दमखम रखते हैं और पिछली बार वर्तमान में भी सिटिंग कांग्रेस के जो है वो बीजेपी के जो वर्तमान में जो सिटिंग एमपीज भी हैं वो भी टच में है, तो उन ऐसे लोगों को भी जो है मौका दिया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से जो है चुनाव लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पूरा जो जोर है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकना है कि जो ज्यादा सीटें बीजेपी पिछली बार जो पाई थी 2014 में उसको कम करके जो है अपने आंकड़े बढ़ाना है। आकाश, जिस तरीके से शुरुआत की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये उम्मीद जता रहा था कि किसी भी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, हालांकि गठबंधन के सहारे ना होकर अब अकेले चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरी है। ऐसे में प्रियंका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, साथ ही पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अब प्रियंका पर टिकी हुई है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पहले चाहती थी गठबंधन में शामिल होना, लेकिन कुछ सीटों पे जो विवाद आपस में हुआ बसपा सपा और कांग्रेस, वहां पे कांग्रेस खुद भी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी और वहां पर कहीं ना कहीं सपा और बसपा की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जो है और सीट अपने तरफ खींचने के लिए जो है कई बार मांग की गई, जिससे कांग्रेस ने मना कर दिया था। और उसके बाद जो है आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इसको आगे बढ़ाते हुए सीटों का ऐलान भी कर दिया और किन जिलों से कौन किसके पाले में सीट है और किससे कौन सी पार्टी लड़ेगी उसका भी ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस को भी मौका मिला है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव लड़ने का और अपने हर जगह कैंडिडेट उतारने का। तो एक कांग्रेस की जो रणनीति है इससे एक वोट बैंक का भी पता चल जाएगा और दूसरी चीज ये भी है कि जहाँ पे 7 जो सीटें छोड़ी हैं कांग्रेस ने जो है बीएसपी और मुलायम सिंह की सीट पे ना उतार के और अखिलेश की सीट पे ना उतार करके और तमाम ऐसी सीटें जहाँ पे वो अपने प्रत्याशी 7 सीटों पे नहीं खड़ा करेगी, तो मतलब ये साफ है कि आने वाले टाइम पे अगर सीटें बढ़ती हैं और कांग्रेस की तरफ जाकर के समर्थन देने की बात आती है, अगर सरकार बनती है कांग्रेस की दिखती है तो वो साथ में आ सकते हैं। मतलब साफ है कि जो है किसी भी तरीके की कोई भी अंदरूनी जो खिंचातान थी वो दिखाया गया है कि वो नहीं है कांग्रेस की तरफ से, वो 7 सीटें छोड़ करके उन्होंने साबित कर दिया है। जी आकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।